हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप यूपीआई पिन जो है भूल चुके हैं, अगर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे इत्यादि चलाते हैं, अगर आपका पुराना यूपीआई पिन भी नहीं मालूम है तो एक किस तरीके से जो नया एक यूपीआई पिन बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। आप बनाने के बाद आप किस तरीके से जो है अपने अकाउंट का बैलेंस जो है चेक किया जाता है, पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को जो है जरूर से लास्ट तक देखना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो है UPI ID भूल चुके हैं फोन पे का, तो आप लोग सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लीजिएगा। फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा ऊपर के प्रोफाइल वाले मेन्यू पर। तो इसके बाद जैसा कि आप लोग को यहाँ पर जैसा कि शो करेगा, आपने जितने भी बैंक अकाउंट लिंक किया होगा फोन पे में, वो सारा अकाउंट जो है यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो जैसे कि हमारे फोन पे में अभी दूसरा अकाउंट लिंक है, तो हमारा जो ये स्टेट बैंक का अकाउंट है इसका जो है हम UPI पिन जो है भूल चुके हैं। तो सबसे पहले आप जिसका भी बैंक अकाउंट का UPI पिन भूल चुके हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस जो है नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चेक बैलेंस का आ गया, चेंज पिन का आ गया, एक रीसेट का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आप UPI पिन जो है भूल चुके हैं तो आप लोग यहाँ पर रीसेट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस जो है इस प्रकार का नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना यहाँ पर 6 डिजिट का ATM का लास्ट कार्ड का नंबर जो है यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद आप लोगों को एक्सपायरी मंथ जो है आपको यहाँ पर जो है इंटर करना होगा। इसके बाद एक्सपायरी ईयर आप लोगों को जो है यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे में यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर एक आप लोगों को जो है प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर। जब कार्ड डिटेल जो है आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, इसके बाद एक्सपायरी ईयर, तो कार्ड प्रोसीड का ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया है, तो आप लोग उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को सेट UPI पिन बोला जा रहा है, तो जो भी आप यहाँ पर पिन इंटर कीजिएगा वही पिन से जो है आप लोग बैलेंस चेक कर पाइएगा। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आपको जो है 6 डिजिट का जो है UPI पिन जो है सेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम UPI पिन जो है सेट करेंगे, क्लिक करना होगा। तो इसके बाद उसी पिन को आप लोग री एंटर कीजिएगा, इस पर टिक वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर UPI पिन जो है सक्सेसफुल जो है सेट हो चुका है। अब हम लोग इसी UPI पिन से जो है आसानी से अपना बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस चेक करने के लिए जो आप लोग चेक बैलेंस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपने UPI पिन बनाया हुआ है उसी पिन को आप लोग वो इंटर कीजिएगा। इसके बाद आप लोग आसानी से जो है अपना बैलेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो भी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरा अकाउंट में इतना पैसा जो है दिखाई दे रहा है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप UPI पिन को जो है रीसेट करना जो है सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। अगर अभी आपका मन में जो है डाउट चल रहा होगा तो नीचे प्यारा सा कमेंट करके आप मुझसे जो है एक सवाल पूछ सकते हैं।